जी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेगाबॉन्ड्स। तो यार आप सोच रहे होंगे ये जो पहले एक टाइम लैप्स दिखाया है अब कहाँ की तैयारी है, तो वो तो आई थिंक आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा तैयारी कहाँ की है। एंड यस वी आर गोइंग टू कॉर्बेट, जो वो काल मूवी में जिसको ऑर्बिट बोल दिया था तो मूवी से चलो सेपरेट बात है। सो नाउ आई एम लीविंग फॉर कॉर्बेट एंड टाइम अभी 8 बज गया, मैं लेट हो गया हूँ, जाना था मैंने 6 बजे। तो बस अभी का यही है जी, एंड इसके बाद आज की क्या आइटनरी है और कितने रास्ते कॉर्बेट को जाते हैं, एज आई एम लिविंग फ्रॉम चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ से 3-4 रास्ते हैं एंड थोड़ी सी दिक्कत क्या है वो आपको मैं गाड़ी में जाके बताता हूँ। मैं लेट भी क्यों हो गया, फॉगी बहुत है नॉर्थ इंडिया में इस टाइम, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। और कौन कौन जा रहा है, क्या मेरी आज की आइटनरी है, आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग। बाकी की बात आपसे गाड़ी में जाके करता हूँ, अभी आके लिए आपको यही बताना था दैट आई एम लीविंग फॉर कॉर्बेट। बाय बाय। तो यार एज आई टोल्ड यू भी आई एम लीविंग फॉर कॉर्बेट, नॉट आई एम, वी आर लिविंग फॉर कॉर्बेट एज आई एम लिविंग विद माई वाइफ। तो आज चंडीगढ़ से निकल रहे हैं यार हम लोग, और टोटल इसके 4 रास्ते हैं चंडीगढ़ से। एक रास्ता तो वाया नाहन, पौंटा साहब, हरिद्वार, सॉरी देहरादून, हरिद्वार, देन आप रामनगर। बेसिकली जो कॉर्बेट है वो रामनगर के ही अंदर है। कॉर्बेट तो जंगल का नाम है, पर जो वहाँ पर जितने भी रिजॉर्ट्स हैं वो सारे रामनगर में हैं। सो हमने भी बुकिंग रामनगर में करवाई हुई है। तो ये रास्ता टोटल पड़ता है आपको पौंटा साहब वाला, ये वही रास्ता जहाँ से हम सांकरी गए थे हर की दून ट्रक के लिए, ये 415 किलोमीटर है। दूसरा रास्ता चंडीगढ़ से आप अम्बाला जाएंगे, सहारनपुर जाएंगे वाया यमुनानगर होते हुए देन रुड़की, देहरादून, फिर आगे, ये भी अराउंड अराउंड आपको 400 किलोमीटर पड़ेगा। जो सबसे शॉर्ट रास्ता है वो है यहाँ से अम्बाला, अम्बाला से आप जाएंगे क्या कहते हैं, सॉरी यार भूल गया, अम्बाला से आप जाएंगे सोनीपत, सोनीपत से आप जाएंगे बिजनौर, शामली आएगा आपके रास्ते में, यहाँ से होते हुए आप रामनगर जाएंगे। ये सबसे शॉर्ट रास्ता 385 किलोमीटर। और चौथा रास्ता जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है दैट इज़ यहाँ से अम्बाला, अम्बाला से करनाल, करनाल से सोनीपत, सोनीपत से मुरादाबाद, और मुरादाबाद से काशीपुर, काशीपुर से रामनगर। और मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ, ये टोटल 422 किलोमीटर का रास्ता सबसे लंबा, एंड इट विल टेक अराउंड 8 आवर्स, 8 घंटे का रास्ता है अगर आप चलते रहते हो, बट मुझे 10 घंटे लग जाएंगे बिकॉज ऑफ व्लॉगिंग, प्लस रास्ते में खाना वाना यार जो भी ब्रेकफास्ट लंच होगा। और जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था अभी 8 बज गए हैं, निकलते निकलते मैं 8:15 हो ही गए थे। तो बस अभी की आपको बता दी है, और जो भी बजट्स वगैरह रहेंगे दैट आई विल लेट यू नो, टोल्स काफ़ी हैं इस रास्ते में। तो बस अभी जहाँ ब्रेकफास्ट करता हूँ वहाँ मिलूँगा, तब तक थोड़ा सा आपको रास्ता दिखाता हूँ। एक्चुअली नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉग है, टेम्परेचर भी इस टाइम 6 डिग्री सेल्सियस है, तो ज़्यादा आपको रास्ता नहीं अभी दिखा पाऊँगा बिकॉज ऑफ फॉगी वेदर। एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे यार भी सबसे लंबा रास्ता क्यों, ये जब मैं आपसे दोबारा बात करूँगा तब आपको बताता हूँ कि मैंने सबसे लंबा रास्ता क्यों चूज़ किया है। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून। तो यार हर बंदे की एक कमज़ोरी होती है, तो मेरी एक कमज़ोरी है, एक बड़ी फेमस चेन है दिल्ली की चायोस, तो अगर मुझे उसका कहीं बोर्ड दिख जाता है तो बस आई गॉन मैड। तो मुझे बस ये करनाल से पहले एक जगह है सवॉय ग्रीन, उसके अंदर एक रेस्टोरेंट है चायोस, तो वहाँ बस यार मैंने सोचा अपनी एक तो पानी की बॉटल्स फिलअप कर लें। एज आर व्यूअर्स नोज के भी हम लोग प्लास्टिक बॉटल्स नहीं यूज़ करते हैं, जिन्होंने हमारी उत्तराखंड हर की दून वाली सीरीज़ देखी होगी तो उसमें तो हर एपिसोड में हम लोग बता भी रहे हैं कि आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो बस अपनी बॉटल्स यहाँ पे फिलअप करनी थी। ये करनाल से पहले एक जगह है सेवॉय ग्रीन, सेवॉय ग्रीन है, उसके अंदर 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं, सबवे भी है एंड चाय हाउस भी है।
सो बस अपनी बॉटल फिलअप करेंगे और यहाँ पर चाय पियेंगे। अनदर थिंग जो आपको मैंने कहा था कि NH1 के बारे में आपको बताऊँगा यार, तो NH1 दिल्ली से लेके अमृतसर तक नॉर्दर्न रीजन में है, अटारी तक कह सकते हैं, अटारी जो बॉर्डर है अमृतसर से भी आगे। तो बस इस NH1 में यार मेन शहर है जो है, आप दिल्ली से कह लीजिए पहले दिल्ली आ जाता है, दिल्ली के बाद सोनीपत, पानीपत, देन करनाल, करनाल के बाद आपका कुरुक्षेत्र आ जाएगा, कुरुक्षेत्र के बाद अम्बाला, देन पंजाब में एंटर कर जाएंगे, फिर आपको पहले राजपुरा, देन खन्ना, लुधियाना, आफ्टर दैट जलंधर, जलंधर के बाद करतारपुर, करतारपुर के बाद अमृतसर। तो बस ये NH1 है जी, इसकी खासियत बताता हूँ आपको, आप कह लीजिए दिल्ली से लेकर जलंधर तक जो ये एरिया है, आपको किसी पर्टिकुलर शहर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भूख लगी है और आप इस रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं भी रुक जाइए, सारे रास्ते आपको कोई ना कोई फूड के आउटलेट वगैरह आपको दिखते ही रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी खासियत है NH1 की, काफ़ी सेफ भी है, मतलब आप कहीं भी खाना खा सकते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप कहीं भी रुक जाइए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इजीली आप कहीं भी बैठिए अपना एंजॉय कीजिए। ये खासियत हर हाईवे पर नहीं होती, मेरा तो सारा इंडिया घूमा हुआ है, मुझे तो नहीं दिखी जो ये NH1 है। ऐसे रेस्टोरेंट्स, ऐसे ढाबे, रेट इनके रेस्टोरेंट्स वाली हैं, नाम के ढाबे और बहुत अच्छे बने हुए हैं। और सबसे मेजर स्टेशन जो खाने के हैं अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज़ मुरथल, जहाँ मैंने अब इसके बाद रुकना है, उसके बाद अम्बाला, अम्बाला के बाद आप कह लीजिए बीच में कुरुक्षेत्र, वो भी उसके भी वहाँ भी आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। आफ्टर दैट लुधियाना, जलंधर, जलंधर से अमृतसर थोड़े रेस्टोरेंट कम है, बट आपको जलंधर इट इज़ फुल, इवन राजपुरा अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। बस इसलिए रुके थे जी, फॉग बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा आपको दिख ही रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। बाकी ये जो सवॉय ग्रीन है, थोड़ा आपको अंदर से इसकी लुक दिखा देता हूँ है कैसा है। इसके बाद अब मैं मुरथल ही रुकूँगा, बाकी की बात आपसे मुरथल जाके करता हूँ। ये भी आपको बताना है कि मैंने मुरादाबाद वाला ही रास्ता क्यों चुना, अभी तक आपको बताया नहीं है, तो वहीं जाके आपको मुरादाबाद वाले रास्ते वाली बात बताता हूँ। एंड आज दो चीज़ें और भी हैं, वहीं जाके आपसे डिस्कस करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर। यार वी आर क्रॉसिंग पानीपत, तो बाकी तो यार जितने भी शहर हैं मैंने आपको बता ही दिया था कि फ्लाईओवर्स बन चुके हैं, तो सारा शहर नीचे रह जाता है या साइड पे बाईपास हो जाता है। तो बस ये काफ़ी बड़ा शहर है जी, ये भी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज। एंड ये चंडीगढ़ से ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर है और दिल्ली से 80 किलोमीटर है अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं। एंड इसकी, इस शहर की खासियत है, जैसे पंजाब में लुधियाना फेमस है अपनी हौजरी के लिए, तो ये भी अपना टेक्सटाइल मिल्स के लिए काफ़ी फेमस है। पानीपत साफ़ सुथरा शहर है, काफ़ी बढ़िया शहर है, यहाँ पे आप कह लीजिए कर्टन्स, बेडशीट्स, क्विल्ट्स, ये चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती है हमारे शहर के कंपैरेटिवली। तो बस ये आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि पानीपत से हम क्रॉस कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए फेमस है। बाकी यहाँ पे 3 बैटल ऑफ पानीपत हुए हैं, एंड अभी पानीपत मूवी भी आई है जिसमें अर्जुन कपूर ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिए, इसलिए शायद वो मूवी पिट गई। एंड उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ है तो नहीं है आई, मैं मतलब शॉक्ड हूँ कि इन्होंने वो चीज़ें प्रिजर्व नहीं करके रखी जहाँ भी ये बैटल ऑफ पानीपत हुए थे, जो वो बैटल ग्राउंड था, मतलब यहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं है, यहाँ बस देखने लायक ये टेक्सटाइल मिल्स ही हैं, वो आप देख सकते हैं। और मुरथल बस यहाँ से 20-25 किलोमीटर है, अब वहीं जाकर आपको मिलूंगा। पानीपत क्रॉस कर रहा था तो मैंने सोचा आपको थोड़ा दिखा दूं। GoPro के थ्रू आपको पता लग ही गया होगा कि हम कहाँ पे हैं, तो वी जस्ट एंटर्ड मुरथल। तो अभी यहाँ पे हम रुके हैं गुलशन ढाबा पे, आपको ये मंदिर से दिखाता हूँ। पर उससे पहले दो बातें मैंने आपको कही थी कि आपको मुरथल जाकर बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये व्लॉग तो शायद लेट आए, बट आज 25 दिसंबर है, तो मैरी क्रिसमस टू ऑल माई व्यूअर्स।
एंड और सेकंड आज मेरे डॉग राफा का बर्थडे है. काफ़ी लोगों को पता है उसके बारे में जिसने मेरा फर्स्ट एपिसोड देखा होगा लद्दाख सीरीज़ का, जब हम रोहतांग पास के थ्रू गए थे जिसपा. सो इट्स हिज बर्थडे टुडे, हैप्पी बर्थडे राफा. तो बस अब जी मुरथल का ही है यार. मुरथल चंडीगढ़ से अभी हम 210 किलोमीटर आए हैं और दिल्ली से ये अराउंड 60-65 किलोमीटर पड़ता है. एंड नॉर्मली दिल्ली के लोग तो स्पेशल यहाँ पे मॉर्निंग राइड्स, नाइट राइड्स, खाने पीने आते हैं काफ़ी. तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस. आई थिंक पूरे NH1 पे इतने रेस्टोरेंट्स एंड ढाबे कहीं पे भी नहीं हैं जितने यहाँ पे हैं. तो ये मुरथल की खासियत है. और ये सोनीपत से थोड़ा सा ही पहले पड़ता है. एंड वो जो मैं आपको एक बात काफ़ी देर से मिस कर रहा हूँ कि मैंने मुरादाबाद वाला रास्ता ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि एवरीवन नोज़ अभी इंडिया में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है वो कैब बिल का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल. तो उसकी वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं. तो सहारनपुर से भी पता लगा था प्रोटेस्ट हैं, शामली बिजनौर में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं. तो वहाँ से जाना सेफ़ नहीं था. एंड उधर से रास्ता थोड़ा ख़राब है जो पौंटा साहब वाला मैंने बताया था. तो मुरादाबाद ही है. मैं यहाँ से अब मुरथल आ गया हूँ. कुंडली से लेफ़्ट हो जाना, वो आपको मैं गोप्रो के थ्रू दिखाऊंगा. वहाँ से EP ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जहाँ से अब मैंने मुरादाबाद जाना है. तो पता यही लगा अभी, बहुत अच्छी रोड है, 4 लेनिंग है सारी. एंड 210 किलोमीटर हम आ चुके हैं, 222 आ गए हैं, वही 450-450 के बीच में पड़ेगा हमें डिस्टेंस. तो इसलिए मैंने ये रास्ता चूज़ किया. एक तो यहाँ पे प्रोटेस्ट कोई नहीं है, सेकेंडली रास्ता बहुत अच्छा है जो अभी तक मुझे पता लगा. बाकी आपको बता दूँगा. एंड पता किससे लगा, मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे रहते हैं, दे टोल्ड मी दिस इज़ दी बेस्ट वे. अगर प्रोटेस्ट ना भी हो तो आप इधर से ही आइए. तो बस यही है जी. अभी यहाँ पे मैं मुरथल हूँ. यहाँ पे बहुत फेमस ढाबे हैं जैसे अमरीक, सुखदेव, हवेली, पहलवान. मेरा पर्सनल फेवरेट है गुलशन, तो मैं वहीं रुका हूँ. अब आपको वो दिखाता हूँ, बाद में इसके खाने का रिव्यू दूंगा. एंड आई विल लेट यू नो बिल ऑल्सो. जी बैक इन टू द कार. खाना बहुत अच्छा था जी. गुलशन हमेशा ही मेरा फेवरेट रहा है, कोई शुरू से ही इसका खाना बहुत अच्छा है. एंड हमने 3 पनीर प्याज के परांठे लिए तंदूर वाले, एंड 1 कर्ड अलॉन्ग विद 2 कप ऑफ टी, स्पेशल टी जो ये बनाते हैं. और मक्खन साथ में इनका परांठों के साथ सर्व किया जाता है. और अराउंड हमारा बिल आया जी 420 रुपये. इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. इनका 90 रुपीज़ 2 पराठा था, तो 300 के तो यही हो गए, बाकी दही हो गया, 60-70 का चाय हो गई. सो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, बट खाना वॉज एक्सट्रीमली गुड. आप यहाँ आके कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे. आई गिव दैम 4 out of 5 खाना वाइज. प्राइस वाइज आई थिंक 2.5 out of 5, क्योंकि मुझे एक्सपेंसिव लगा. बट क्योंकि अब इस रास्ते पे आप कहीं भी जाएंगे, चाहे आप सुखदेव चले जाइए, चाहे आप पहलवान चले जाइए, आगे गरम धर्म है वो धर्मेंद्र जी का हवेली है, सबके ही जो प्राइजेज हैं वो हायर साइड पे हैं. क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है यार, दिल्ली के लोग बहुत आते हैं. एंड यू नो दिल्लीआइट्स, वो तो पैसे खर्चने में जी बहुत तेज़ हैं. और पंजाब के लोग भी, पंजाबी भी यहाँ बहुत आते हैं. NRIs का रास्ता है ये, वो सारे यहाँ रुकते हैं. सो दे डोंट केयर अबाउट मनी, उनको सिर्फ होता है हमें अच्छा खाना मिल जाए. तो प्राइस हायर साइड पे हैं, बट ये नहीं कि भी आपको ज़्यादा पैसे दे के कोई दुख होगा. सो खाना वॉज गुड, आप आ सकते हैं. एंड बस अभी का यही है जी. नाओ वी आर लिविंग फ्रॉम मुरथल, वी आर लिविंग फ्रॉम मुरथल टूवर्ड्स EPE ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जो आपको मैंने बताई थी. अब मैं GoPro ऑन करूँगा, जहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड टर्न लेना है. NH1 है, अब हम टूवर्ड्स कुंडली जाएंगे. कुंडली से लेफ्ट हैंड साइड लेना, वो आपको जगह भी दिखाऊँगा. एंड बता मैंने आपको दिया ही है कि वाया मुरादाबाद क्यों जा रहा हूँ. इसके बाद ये मैंने अभी तक आपको चंडीगढ़ के रूट बताए थे. अब नेक्स्ट स्टॉप जहाँ भी लूँगा, जहाँ भी कुछ बोलूँगा तो आपको ये बताऊँगा, अगर कोई दिल्ली से जा रहा है उनके लिए कौन सा रूट ठीक रहेगा. चलो सी यू, बाय बाय. टूअर्स
वी आर एग्जैक्ट मुरथल से 12-13 किलोमीटर आगे आके आप ये सामने बोर्ड देखिए, आपको दिख रहा होगा बहुत बिग बोर्ड है ये, जहाँ पर EPE लिखा हुआ है हमने इस तरफ हो जाना है। तो ये रोड से आगे आई थिंक 40-45 किलोमीटर जाके वो मैं बता दूंगा, मैंने ट्रिप सेट कर लिया है, हमें एग्जिट लेना है टुवर्ड्स मुरादाबाद। मुरादाबाद से हम आगे काशीपुर जाएंगे। अभी तक तो मुझे मुरादाबाद का पता, क्योंकि इस तरफ से मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो जो भी आइटिनरी होगी आई विल लेट यू नो कितने किलोमीटर है यहाँ से, जिस एग्जिट से हमने लेफ्ट या राइट लेना है मुरादाबाद के लिए वो भी आपको बता दूंगा। फिलहाल यही है, मुरथल से 12-13 किलोमीटर आगे आके आपने एक बोर्ड देख लीजिएगा, EPE ईस्टर्न एक्सप्रेस, ईस्टर्न पेरीफेरी एक्सप्रेस हाईवे, उस पर आपने चढ़ जाना है। स्टिल ऑन दी दैट EPE एक्सप्रेस वे, तो आपको इतनी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। जब मैं एंटर कर गया था, जब मैं एक्सप्रेस वे पर आ गया था, तो एक टोल दिखाया था मैंने आपको। तो यहाँ का एक हिसाब किताब है, जब आप उस रोड पर चढ़ जाएंगे उस वो टोल वाले आपको एक स्लिप देंगे, क्योंकि जो ये आई थिंक 150 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेस वे है, तो अलग अलग जगह मतलब बीच में से गाज़ियाबाद को कट जाती है, मेरठ को कट जाती है, लाइक वी आर गोइंग टू मुरादाबाद वहाँ को कट जाती है, तो वहाँ पे आपसे ये चार्जेस नहीं लेंगे, दे विल जस्ट गिव यू स्लिप। और जिस एग्ज़िट पॉइंट से आप एग्ज़िट कर जाएंगे इस पूरी हाईवे के ऊपर, उस एग्ज़िट पॉइंट के हिसाब से आपसे चार्जेस ले लिए जाएंगे। व्हाट आई मीन टू से, स्लिप लेनी भूलनी नहीं, वरना आपको एग्ज़िट पॉइंट से फिर वापस आना पड़ेगा जहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो वहाँ से स्लिप लीजिए, जहाँ से आप एग्ज़िट करेंगे उस हिसाब से आपसे चार्जेस ले लिए जाएंगे। तो जो वो सबसे पहला टोल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से 50 किलोमीटर आगे आके आपने लेफ्ट लेना मुरादाबाद के लिए, और मैं आपको दिखाऊंगा भी कहाँ से एग्ज़िट लेना थ्रू GoPro। बट आप GPS लगा लीजिएगा और आपने टाइप करना है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो आपको बिल्कुल सही रास्ते ले आएगा। तो व्यूअर्स यार, ये आपको सामने बोर्ड दिख ही रहा होगा, मुरादाबाद लेफ्ट हैंड साइड एग्ज़िट के लिए कह रहे हैं, ये आप अच्छी तरह देख लीजिए। और 2 किलोमीटर है, तो मतलब मार्किंग काफ़ी अच्छी की हुई है, साइन बोर्ड्स अच्छे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से आपने ये जो बोर्ड है इससे 2 किलोमीटर आगे जाके लेफ्ट ले लेना है, एंड स्टिल वी आर ऑन दैट एक्सप्रेस वे। बस ये आपको थोड़ा सा दिखाना था। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, तो दिल्ली से आप पहले गाज़ियाबाद जाएंगे, गाज़ियाबाद से आपने हापुड़ जाना है, हापुड़ से आपने नूरपुर, नूरपुर से अफजलगढ़, देन रामनगर। टोल दिखाया था वहाँ से, मतलब जो एग्जिट पॉइंट वाला टोल था जो भी क्रॉस किया हमने, वहाँ से मुरादाबाद है 132 किलोमीटर एंड काशीपुर है 194 किलोमीटर। अब टाइम तो यार रोड के अकॉर्डिंग ही लगेगा, वो मैं आपको बता दूंगा कितना टाइम हमें पूरा लगा कॉर्बेट पहुँचने के लिए, बेसिकली रामनगर में। एज आई टोल्ड यू कि वहाँ जितने भी रिजॉर्ट्स हैं सारे रामनगर में हैं, कॉर्बेट में नहीं है। कॉर्बेट तो एक जंगल का नाम है, जो जिम कॉर्बेट किसी के नाम पे बना हुआ है। ये सारी बातें मैं आपको कॉर्बेट जाके बताऊंगा, वरना सारी बातें आज रास्ते में ख़त्म हो जाएंगी। सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम उत्तर प्रदेश स्टेट से निकल रहे हैं, एंड मुरादाबाद जिसको ब्रास सिटी भी कहा जाता है वो हमारे रास्ते में आएगा, पर उसको बाईपास कर जाएंगे। वहाँ तांबे के काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, एंटीक्स बर्तन, लोग बर्तन तो स्पेशल लेने जाते हैं वहाँ पे, प्लस उसके बाद फिर काशीपुर देन रामनगर। अभी का यही अपडेट है जी, कहीं भी रुकता हूँ कोई अच्छी चीज़ रास्ते में आती है, धूप निकल आई है, टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस है, तो अच्छा लग रहा है, ड्राइव करके भी मज़ा आ रहा है। टिल देन बाय बाय, कोई भी चीज़ आएगी आपको अपडेट देता हूँ। मैंने कैमरा ऑन किया, क्योंकि
किसी भी टाइम रात हो सकती है, 5 तो बज चुके हैं। और जो लोग नदरन इंडिया में नहीं रहते उनको बता दूँ भी यहाँ तो आजकल 6 बजे के करीब अंधेरा हो जाता, तो मैंने सोचा जितना आपको दिखा सकता हूँ उतना दिखाऊँ, बाकी फिर होटल पहुँच के कैमरा ऑन करूँगा अगर अंधेरा हो गया तो। यार टाइम बजे हैं 7 एंड हम अपने होटल से बस 5-6 किलोमीटर पीछे हैं और अंधेरा तो है। मे भी आपको दिख रहा हो सामने यार एक लॉरी पलटी हुई है, पता नहीं कैसे पलट गई है ये, तो ऑलरेडी वी आर लेट। दूरी काफ़ी था यार, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा निकला, हम सोच रहे थे 450 किलोमीटर है। इवन चंडीगढ़ से जब GPS ऑन किया था वो भी 450 बता रहा था, बट इन रियलिटी ये 500+ किलोमीटर निकला वहाँ से। एंड लेट्स सी, अब देखते हैं जी कब तक ये जैम क्लियर होता है, उसके बाद फिर आपको होटल जाके मिलता हूँ। बाकी आपको मैंने दिखाई दिया था अभी, काफ़ी देर हो गया मैं अंधेरे में ड्राइव करते हुए, एंड बस आपको होटल जाके मिलता हूँ जी मैं, बाय बाय। व्यूअर्स ये हमने यार स्वीट बुक किया है, इसको अकाउंट स्वीट कहते हैं। ये थोड़ा सा बाहर इन्होंने मतलब रूम के साथ एक छोटा सा बनाया है सिटिंग एरिया, या कोई थर्ड पर्सन आपके साथ हो ही कैन और शी कैन स्लीप देयर। एंड ये हमारा रूम है जी, और जो बाहर आपको मैंने दिखाया था वो सामने इनका लॉन है, मैं दिन में भी आपको दिखाऊँगा। ये बाहर इनकी सिटिंग है, सुबह यहाँ काफ़ी अच्छी वाइल्ड लाइफ होती है, मतलब बर्ड्स आते हैं वो आपको अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं बाहर बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। एंड दिस इज़ आवर रूम, मतलब क्वाइट नीट एंड क्लीन, रूम इज़ रियली गुड, आप ये देख लीजिए। वॉशरूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है, और ये इसकी छतें कुछ ऐसी हैं, आप एसी देख रहे होंगे, गर्मियों में यहाँ काफ़ी गर्मी होती है तो एसी इज़ मस्ट। बस दिस इज़ आवर रूम जी, आई लाइक इट, आई होप मेरे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। तो टोटल लुक इसकी ऐसी आ रही है, आप देख लीजिए। मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ, दिस इज वॉशरूम, बस दैट इज इट, दिस इज आवर रूम, मैंने कहा आपको दिखा दूं। तो ठीक है जी, इसके बाद आपको मिलता हूँ जब व्लॉग एंड करूँगा। व्यूअर्स होटल में यार चेक इन कर गए हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, बेसिकली थोड़ा सा कहते हैं ना वो डिस्टेंस जो गूगल बता रहा था वो कम बता रहा था, और ये ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर फालतू निकला, तो 100 किलोमीटर काफ़ी होता है। बट नो रिग्रेट्स, बिकॉज रास्ता काफ़ी अच्छा था, कोई रिस्क नहीं, किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं, रोड काफ़ी ज़्यादा चौड़ी थी। एंड हमें यहाँ पहुँचते ऑलमोस्ट 8 बज गए, तो 12 घंटे की ड्राइव हो गई, 12 से थोड़ा कम लगा लीजिए। एंड बस यहाँ पे आए, अपना डिनर किया हमने, एंड बाकी थोड़ी सी आपको मैंने होटल की एंट्रेंस दिखा दी थी कैसी, डिनर वाज गुड, वी हैड चपाती, चिकन सूप, जब बुफे था इनका इट वाज गुड, स्वीडिश वाज ओके। इस रिजॉर्ट का नाम है कॉन हाइडवे रिजॉर्ट एंड स्पा, तो इट्स अ गुड प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का पूरा टूर दूंगा सुबह मैं आपको, कल दूंगा या परसों दूंगा, देखता हूँ मतलब बाहर से कैसी, काफ़ी विल्डरनेस है। एंड हमने एकॉन सूट ही बुक करवाया, इनका बजट वगैरह मैं आपको बाद में बताऊँगा। एंड बाकी जी सब कुछ ठीक रहा, टोटल हमने आज 520 किलोमीटर की जर्नी की है, 520 किलोमीटर्स फ्रॉम चंडीगढ़, एंड इट वॉज अमेजिंग। बाकी आपको सारा दिखाता है रास्ता जैसा भी था, अंधेरा हो गया था इसलिए वो आपको मैं काशीपुर के बाद कुछ भी नहीं दिखा पाया, इवन पहले भी नहीं, क्योंकि अंधेरे में मज़ा भी नहीं आता।
तो बस अभी का प्लान ये है जी, अब सोएंगे, थोड़ा सा बस डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करना है, एंड यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल सुबह सफारी पे जा रहे हैं, जीप हमने बुक कर ली है, ऑलमोस्ट 3 घंटे की सफारी है, सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगी, तो देखो जी आपको भी दिखाऊंगा, खुद भी देखूंगा, तो इकट्ठे इंजॉय करेंगे हम लोग, तो बाकी जी बस एवरीथिंग इज़ फाइन ग्रेट, आई एम एंजॉइंग अ लॉट, और एक रिक्वेस्ट थी यार आप सबसे, ब्लॉग सारे कंप्लीट देखिएगा, आपको भी मज़ा आएगा, वरना चीज़ें मिस हो जाती हैं, एंड कल सुबह मिलता हूँ आपसे, टिल देन डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, एंड डू शेयर इट, डू कमेंट, ताकि मुझे पता लगे मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या ठीक कर रहा हूँ, सब कुछ कमेंट में बताइएगा, बाय बाय, टेक केयर।